बुजुर्ग हैं अपने दिल पर हाथ रखें। आज पवित्र आत्मा आपसे बात करे, पवित्र आत्मा हमें मन की बातें बताए, हमारे हृदय को परमेश्वर ओपन करे। राजा दाऊद लिखता है, मैं मेरे उठने बैठने लेटने को जानता है, मेरे विचार में क्या चल रहा है परमेश्वर दूर ही से समझ लेता है। हमारे विचारों को वो समझने वाला परमेश्वर है। और मैं बोलता हूं, अगर किसी के विचारों में कोई भी शैतानी चीज कम कर रही है, आज उठ खड़े और चले जाए। आज पवित्र आत्मा के विचारों से हम भरे, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे हम आज। आज हमारी लाइफ में बदलाव आए, यीशु चाहता कि हम बदल जाएं। देखो पुराना सब कुछ बीत गया, सब कुछ नया होने जा रहा है। परमेश्वर कहता है, मैं आपकी लाइफ में आपका चलना बैठना उठना बोलना सब नया करना जा रहा हूँ। नई नई जगह पर एंट्री करोगे, नई नई बातें आप सीखोगे परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर कहता है कि पुराना सब कुछ जो शैतानी था वो बीत जाएगा। आज फ्रेश हो जाइए प्रभु की हुजूरी में, अपने दिल से आराधना में जाए, वर्शिप में जाए मन से, ताकि परमेश्वर हमारी बीमारी के झूलों को आज तोड़े। अगर आपको चिंता बोझ और बीमारी यहाँ पर लेकर आया है, याद रखो कि प्रभु की करुणा आपको बचाएगी, परमेश्वर का नाम आपको बचाएगा, परमेश्वर का वचन आपको छुड़ाएगा। कोई मुसीबत बड़ी नहीं है, याद रखिए, कोई बीमारी बड़ी नहीं है, कोई अंधकार की ताकत बड़ी नहीं है, कोई इवन स्पिरिट बड़ा नहीं है, कोई डर बड़ा नहीं है, केवल बड़ा है तो परमेश्वर का नाम है जो यीशु का। कई बार हम टूट जाते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं, जैसे अब्राहम हो जाता। अब्राहम कहता, जब मैं प्रभु की ओर देखता हूँ तो मुझे बल मिलता है, मुझे एक आस मिलती है। जब मैं सारा की ओर देखता हूँ अपनी पत्नी की ओर, तब मैं कमजोर होता हूँ कि कुछ नहीं होगा। इसलिए जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर हमें बल देता है, परमेश्वर हमें ताकत देता है, कहता है कि मैं सब कुछ तेरे लिए करूंगा, कोई बात कठिन नहीं है परमेश्वर के लिए। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्लीज कम होली स्पिरिट,
have even a scratch in the name of Jesus Christ. एक एक हृदय को मुझको छू ले पवित्र आत्मा जी, एक एक दिल को छू ले आत्मा चाहता हूँ, हर बीमार को छू ले पवित्र आत्मा जी, हर चार को छू ले परमेश्वर, एक एक खुदावन खुदा जन को अपनी महिमा के लिए खड़ा कर, जो हड्डियों की प्रॉब्लम से झगड़ रहे हैं आजाद हो जाए यीशु के नाम से, गठी की समस्या जाए यीशु के नाम से, बंधन टूटे यीशु के नाम से, आज बेदारी परमेश्वर के नाम की आपके ऊपर आए, आमीन। पवित्र आत्मा आज आपको छुए, पवित्र आत्मा आज आपको छुए और ब्लेस करे यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा आपके साथ हो, आप जो बोलने से डर रहे हैं, जब बोल नहीं पा रहे, जब बता नहीं पा रहे, परमेश्वर कहता मैं जानता हूँ तेरे घर के हालातों को, मैं जानता हूँ तेरे जीवन को, मैं जानता हूँ तेरे दुश्मनों को, जानता हूँ मैं जो तेरे घर में चीजें काम कर रही हैं, उनको जानता हूँ, जो गंदी बुद्रोही क्लेश की सुसाइड की नशे की चलने में उनको जानता हूँ। सिर्फ आज अपने सच्चे मन से अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने घराने के लिए, मन से अपने घर के हालातों के लिए, दिल से परमेश्वर के आगे सबको लेकर आई, याद कर, क्योंकि मैं चेंजिंग देख रहा हूँ, बदलाव देख रहा हूँ अपनी लाइफ में, ये कोई और नहीं लेकर आएगा, ये होली स्पिरिट लेकर आएगा, पवित्र आत्मा लेकर आएगा, इसलिए पवित्र आत्मा को पाइए, पवित्र आत्मा को लीजिए, समय पवित्र आत्मा के शक्ति को लीजिए, कहेंगे हम पवित्र आत्मा तेरी शक्ति से भरना चाहते हैं, आप पर परमेश्वर की शक्ति आएगी और आप और ढोल के हो जाओगे। लिखा है जब राजा शाऊल के ऊपर होली स्पिरिट आया तो उसका डोल बदल गया, उसकी दिल डोल का बदल गई, उसका माइंड बदल गया, होली स्पिरिट के द्वारा वो चलने लगा। अरब अल्लाह बारिक के तेरी बीबी शुद्र हो। अच्छा वही हिजकेल है जो चुकी हड्डियों को कह रहा है कि वचन सुनो, वचन सुनो, वचन सुनो, वो सुखी हड्डियों को बोल रहा है, वाचा कर रहा है। आज वही परमेश्वर का खादम यहाँ पर है जो कह रहा है प्रभु का वचन सुनो और होली स्पिरिट से भर जाओ, जिंदा हो जाओ अपने पापों से, सारी बदलों से जिंदा हो जाओ और बाहर आ जाओ यीशु के नाम से, सब रोगों से बाहर आ जाओ यीशु के नाम से, आमीन। ऊंचा होना चाहिए, प्रभु की तारीफ ऊंची होनी चाहिए, मैं चाहता हूँ प्रभु की महिमा ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि उसके उसको चोट कोई महिमा के योग्य नहीं है। और मैं ऐसे कई भाई बहनों को देख रहा हूँ जो आज टूटे मन से आए हैं, जिनके हालात सही नहीं है, जिनकी आस खत्म हो रही है, पर परमेश्वर कहता है मैं मुर्दों को आवाज देता हूँ तो कब्र से वो बाहर आते हैं, प्रभु के अंदर ये सामर्थ है, ताकत है, प्रभु के अंदर ये पावर है। याद रखो कोई भी बात कठिन नहीं है, आपने तीन बार बोलना है यीशु के नाम में कोई काम कठिन नहीं, ऐसे बोलना है, बोले अभी मिलकर कहेंगे यीशु के नाम में कोई भी काम कठिन नहीं है, हालेलुया। वो असंभव को सपना में बदलने की सामर्थ रखता है, जिनके पास जिंदा वचन है परमेश्वर का, जिंदा कलाम है और जिंदा वचन है जिसके अंदर, वो ब्लस होते हैं यीशु के नाम से, वो ब्लस होते हैं, उनके हालातों को बदलता है, उनकी पैरवाई करता है, परमेश्वर थके हुओं को बल देता है, परमेश्वर थके हुओं को बल देता है, वो अपनी ताकत से बढ़ता है। याद रखो कि लॉन्ग लाइफ परमेश्वर देता है जो प्रभु के वचन पर खड़े रहते हैं, वो हमारी जिंदगी के सालों को और बढ़ा देता है, कहता है तू और जी और प्रभु के काम कर, और जी और प्रभु के काम कर, और ब्लस हो और प्रभु के काम कर, और चंगाई रहे और प्रभु के काम कर, और अपनी लाइफ में तू परमेश्वर के जलाल को देखेगा, परमेश्वर की प्रेजेंस को देखेगा, प्रभु की हजूरी को देखेगी, तू अपनी लाइफ में परमेश्वर के कामों को देखेगा। प्रभु कहता तू गिन नहीं पाएगा मैं इतने काम तेरी लाइफ में करने जा रहा हूँ।
अलमारी के गिरी भी गई। खून बहाया है, पाप को धोया है, खून बहाया है, पाप को धोया है। अभी सारे ने मिलके कहना है, खून बहाया पाप को धोया है, खून बहाया। आज उठाए प्रभु की ओर ताली, हाथ खड़े करें। तू ही मेरी करुणा, तू ही मेरी वंदना, तू ही मेरी करुणा, तू ही मेरी वंदना, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति यीशु तेरे हरे मन से, हमको हाथ उठाए परमेश्वर की ओर, उसको फील करे यीशु तेरे और हमारे बीच में है, वो समझ ही परमेश्वर हमारे बीच में मिलवा रहा है। उनके प्रेजेंस को मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर उनकी हजूरी को उतरते हुए देख रहा हूँ मैं, तो हमारे हृदय को छू रहा है, उनके टचिंग को फील करो इस समय, उनको यहाँ पर देखेंगे वो है। शांति यीशु तेरे उधार मन से, अब तो मिली है शांति यीशु तेरे उधार मन से, हो जाए परमेश्वर की शांति, अब तो मिली है शांति, हमेशा हालातों को बदलना है। जिनके घर में, जिनके मन में, जिनकी लाइफ में शैतान ने बहुत अशांति फैला दी थी, स्ट्रगल फैला दिया था, दुष्ट आत्मा के कार्यों को फैला दिया था, और बद्रुओं का घर के घर उनके लाइफ में एंट्री कर गए थे। आज इस आराधना में, इस वर्शिप के द्वारा वो आजाद होते और मैं उसको चाटे हुए और भस्म होते हुए और निकलते हुए देख रहा हूँ यीशु के नाम में, क्योंकि एक नहीं दो नहीं कई घरों के घर टूट रहे हैं यीशु के नाम से। मैं चाहता हूँ आप अपने मन को खोलोगे, आज शैतानी घर, शैतानी रोग निकल के जाएंगे यीशु के नाम से। अगर आप मन से प्रभु की वर्षा करोगे, अपने दिल को परमेश्वर के लिए खोलेंगे और कहेंगे हमको मिली है शांति यीशु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति यीशु तेरे उदार मन से। आपकी बारी है, और जो खड़े हो सकते वो खड़े हो जाए, क्योंकि आज पवित्र प्रभु भोज होगा। और पवित्र प्रभु भोज देने से पहले हम सब
परमेश्वर के आगे प्रार्थना के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना और पापों को माफी पाने की प्रार्थना और पवित्र मेज के जाने के पास की प्रार्थना, रोटी तोड़ने की प्रार्थना, दास प्रार्थना, ये सारी प्रार्थनाएं हम करेंगे जो ऑनलाइन कलीसिया है, जो पवित्र प्रभु भोज अपने घरों में लेने जा रहे हैं वो भी। पहले हम विश्वास भरी प्रार्थना करेंगे। सब इस प्रार्थना को मेरे पीछे पीछे बोलेंगे जो लोग विश्वास करते हैं। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र स्वर्ग युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, उसका और पिता का कवच एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हमारे उद्धार के निमित्त पिता परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हम मनुष्यों के लिए हमारे उद्धार के निमित्त वे स्वर्ग से उतर आए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वे कुआरी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिलातू पैंतीस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे, गाड़े गए और पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की ओर दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हमें पवित्र स्वर्गलोकी और प्रिय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं और आने वाले जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। अब बोलिए आमीन। स्थानों पर बैठे सारे। हालेलुया, बोले हालेलुया। आवाज नहीं आ रही, जितनी गर्मी जा रही है उतनी बुलंद आवाज होनी चाहिए। हालेलुया। हम आज सब परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। इस बाइबल में हमें बहुत सी बातें ऐसी मिलती हैं जो परमेश्वर ने खुद बनाई है। नीम के परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, मगर कुछ ऐसी वाचा, ऐसे नेम, ऐसी वाचा, ऐसे नेम जब हम बाइबल में से देखते हैं, कुछ वाचा जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बांधी और कब बांधी, क्या टाइमिंग था, क्या माहौल था, क्या समय चल रहा था जब परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा लोगों के लिए वाचा को बांधा। वाचा को बांधने का मतलब समझते हो ना, कुछ परमेश्वर ने नियम लिखा, कुछ नियम लिखा और नियम लिखकर अपने लोगों को कहा कि ये नियम मैं आपके लिए बांधता हूं और ये आप इस नियम के द्वारा जो मैंने बांधा है इस नियम के द्वारा आगे चलो। हालेलुया। और मैं आज पांच प्रकार के
वाचा को मैं आज बताऊंगा आपको। बाइबल में से पांच प्रकार की वाचा है जो परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने खुद बांधी। आमीन बोल सकते हो कि नहीं? हालेलुया। जब परमेश्वर ने किसी चीज को खुद बांधा है तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर किसी चीज को बांधकर उसे तोड़ता नहीं है, उसको आने वाले समय में थोड़ा बदलाव कर देता है, चेंज कर देता है कि ये नियम मैंने बांधा है और इस नियम के द्वारा आपने चलना है। जैसे पहले नियम को हम बाइबल में देखते हैं, जब परमेश्वर ने धरती आकाश और पशु पक्षी नदी नाले चल सुतारों को बनाया तो उसके बाद परमेश्वर ने एक नियम बांधा आदम और हवा के साथ, जिसको हम ऊपर एक अध्याय और उसका 28 वचन में बाइबल में से देखते हैं। मैं चाहता हूं बाइबल में से इसे पहले पढ़ें, फिर इसके ऊपर हम मनन करेंगे। यस, परमेश्वर ने उनको आशीष दी, परमेश्वर ने उनको आशीष दी, परमेश्वर ने उन्हें आख्या, परमेश्वर ने उन्हें आख्या फलो और बढ़ो। परमेश्वर ने क्या कहा हमको? फलो और बढ़ो और धरती को भर दियो, सारी पृथ्वी में आप राज करो और भर दियो, अतः और अपने बात मत करो। और जो ये पृथ्वी है ये धरतियां जड़ी एनु की करो अपने बस के विच कर। हां, अतः समुद्र की मछियां होते हैं, समुद्र की मछियां होते हैं और आकाश की पंछियां होते हैं, आकाश के पंछियां होते हैं और सारे जीव जंतु के सरन वाले उठे राज करो, उसी की करो राज करो। इतने वाचा देखते हैं आत्म और हवा के नाल परमेश्वर ने एक वाचा बने, परमेश्वर ने उस वाचा को ए आग के नाम दिता के तुसी बटो अते फुलो। मीन परमेश्वर ने उन्होंने ग्रोइंग होण दे लई अगे बदलने ले गया, तुसी उत्ते रुकना नहीं हैगा, उत्ते तुसी स्टॉप नहीं हो जाना। परमेश्वर ने कहा कि मैं इस धरती तुहानू दे दित्ती आ, अते सारी धरती उत्ते राज करो और इनू अपने बस विच करके कंट्रोल दे विच करके चलाओ। पहला जोड़ा सेगा जिहड़ा परमेश्वर ने मिट्टी दे विचों बनाया, जिहदा नाम आदम अते हवा रखिया। आमीन। जो आदम अते हवा परमेश्वर ने वाचा प्रति नियम दिता के ए नियम धरती के उत्ते तुहाडे नाल होवेगा ते तुसी इहदे अंदर रह के सारी धरती के उत्ते राज करना है। समझ रहे हो कि नहीं? पहला नियम परमेश्वर ने आदम अते हवा नूं दिता, ते फिर की होया? ए नियम जिहड़ा सीगा थोड़ा ही चिर चलिया, ये वाचा जड़ी सी थोड़े ही चिर चली, उस तो बाद बदलाव आ गया। बदलाव क्यों आ गया? क्योंकि जो नियम परमेश्वर ने आदम से आवाज दिता सका वो उन्हें शांत पे नहीं रख सके, वो उन्हें कंट्रोल दे विच नहीं रख सके, वो ओदे विच ठहर नहीं सके, वो ओदे विच अपने आप नु चला नहीं पाए। इस करके की होया? बाइबल दे विच लिखिया खुदा ने फिर तो एक नियम दिता, सेकंड नियम ओ असी उपर ओदा जो असी नौ अध्याय ते ओदी असी 12 पंक्ति नंबर नु पढ़ते हां उपर उसका 9:12। जब हम बाइबल में से देखते हैं वहां पर हमें एक और नियम को हम देखते हैं। याद रखें यहां पर दुनिया की शुरुआत हो रही थी आदम और हवा के द्वारा, हम सब पूरा वर्ल्ड पूरी दुनिया उनके द्वारा पैदा हुए हैं, उनके ही बीच में से जातियां निकली, बहुत जातियां निकली जिनके द्वारा जातियां फैल गई, पूरी दुनिया में फैल गई और लोग फैल गए, उनके गांव बच्चे उनके गांव बच्चे तो दुनिया बन गई। ये एक नियम था परमेश्वर का, परमेश्वर ने कहा था कि धरती को भर दो, ऐसा ही हुआ, धरती मनुष्यों से भरने लगी। और बाइबल में लिखा है जब धरती मनुष्यों से भर गई तो
तो सब मनुष्य पाप करने लगे, गुनाह करने लगे। और जब गुनाह करने लगे और परमेश्वर ने अपने सेवक के ऊपर, अपने दास आदम के ऊपर यह प्रकट किया कि तू मैसेज दे दुनिया को, जाकर तू जाकर प्रचार कर दुनिया को, तू प्रचार कर। और प्रचार क्या कर कि परमेश्वर अभी इस दुनिया को नाश करने जा रहा है, अभी इस दुनिया को नाश करने जा रहा है। और वो दास था परमेश्वर का नूह, नूह ने प्रचार किया कि परमेश्वर जल प्रलोह के द्वारा 40 दिन लगातार दिन रात देर नाइट बारिश का लग जा रहा है, ते लोग अपने पापा तो तौबा करन ते बच जान, खुदा तो डरन। पर पता जो ये नू प्रचार कर रहा है तो नू नू लोग कह रहे थे कि शायद इधे इधे दिमाग दे विच फर्क पै गया है, बड़े ध्यान सुनना, शायद इनू पता नहीं हैगा कि इतनी बड़ी धूप आ ते बारिश कितों हो जाएगी। हां ते परमेश्वर ने उन्हें हुक्म दिता कि एक जहाज बना, की बना, एक जहाज बना। अते परमेश्वर ने उन्हें कहा सीगा अपनी फैमिली नू ते जानवरों के दो दो जोड़े नू ओदे विच ले आ। ते तुहानू पता कि परमेश्वर ने उन्हें मना किया सीगा कि जे कोई धरती का होर बंदा परमेश्वर की सुन लेगा ओनू बेचना बढ़ाई। जे कोई कहेगा कि मैं परमेश्वर से विश्वास करता हूं कि वाकई खुदा दुनिया में नाश करने जा रहा, नू तो उन्होंने बैठाई ना बेच। इस तरह का कोई आदेश का बाइबल है दो मीन के हरेक इंसान उस समय उधार पा सकता था, छुटकारा पा सकता थी, अपनी लाइफ नू जिंदा रह सकता थी, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। जो नू कहता सब धरती जो बारिश होने वाली आ, तुसी परमेश्वर तो डरो, अपने पापा नू छड्डो, माफी मांग लो। तो लोग इस गल का मजाक उड़ा रहे थे कि नू दा पागलिया का एड्डा वड्डा जहाज बना रहा है, किस्ती बना रहा है। हां पर की होया, परमेश्वर ने 40 दिन का बारिश कर के धरती दे सारे जीव जंतुओं नू मनुष्य नू नाश कर दिता, सारे दे सारे डेड हो गए। बड़े ध्यान नाल सुन, सारे मर गए, सारे दे सारी डेथ हो गई। और जो डेथ हो गई तो उस तो बाद परमेश्वर ने नू अते नू दे परिवार दे विचों 8 जी सीगे, हर प्रकार का जोड़ा जोड़ा उस जहाज विच रख्या होया सीगा। फिर परमेश्वर ने एक दोबारा नियम बनाया, क्योंकि सारे मनुष्य नाश हो गए, जीव जंतु नाश हो गए। पहला आदम दे नाल नियम बनाया, जब परमेश्वर ने धरती आकाश पशु पक्षी सारे जंतु दे सारे नु बनाया, ते ओ नियम कित्थों तक चलिया, नू दे समय तक। अते नू तो बाद जदों सारी पृथ्वी दे उत्ते पानी पानी हो गया, सब जीव जंतु मर गए, बड़े ध्यान नाल सुनना। उस तो बाद फिर परमेश्वर ने नू दे नाल अते उदी फैमिली दे नाल अते हर एक जानवर दे जोड़े जोड़े दे नाल एक न्यू नियम बनया, समझ रहे हो कि नहीं? हालेलुया, एक नवी वाचा बनी परमेश्वर। उस वाचा नु मैं जो दूसरे नंबर ते रख रहा, उस वाचा नु मैं तुहानू दसना चाहना, पढ़िए बाइबल दे विचों। तद परमेश्वर ने आख्या, ए उस नेम का निशान है, ए उस नियम का निशान है जेड़ा मैं अपने अर तुहाडे अर हर जीव जंतु विच, देखो एक निशान है, एक चिन्ह है जेड़ा मैं अज तुहाडे नाल बन रहा हां। हां अर तुहाडे अर हर जीव जंतु विच जो तुहाडे संग है पीड़ा पीड़ी सदा ले जिंदा हां। हालेलुया, हालेलुया। और इत्थे लिखिया ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਸਾਰੇ, ਬਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਟ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਫੋਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਫਾ ਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਜਲ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ताकि तुसी वचन दे विच डिस्टर्ब ना होवो। आमेन। और क्या लिखा है यहां पर? परमेश्वर ने कहा मैं आपके बीच में और हमारे बीच में एक नया नियम बांधने जा रहा हूं। और परमेश्वर ने यह नियम बांधा, पढ़िए जरा। यस, तब परमेश्वर ने आख्या, यस, ये उस नियम का निशान है, ये उस नियम का निशान है जरा मैं अपने आप को हटे और हर जीव जंतु विच, हर जीव जंतु दे विच जो तुहाडे संग है पीढ़ी सदा ले जिंदा हां। उन परमेश्वर ने इसे किया कि मैं पीढ़ियों पीढ़ी सदा की जिंदा हां। आदम ते हवा ने जो नियम बनया तब परमेश्वर ने कह धरती नु भर दियो। मीन के परमेश्वर ने पीढ़ियों पीढ़ी नहीं किया सका, ऐसे परमेश्वर को याद रखना पीढ़ियों पीढ़ी कह रहा। मीन आज तुसी लाइव हो, तुसी जिंदा हो, तुहाडे धीआं पुत्र आ ते उहनां दे गांह धीआं पुत्र आ ते गांह उहनां दे धीआं पुत्र आ। शायद ओनू ना देखिए असीं साडी डेथ हो जाएगी, मगर पीढ़ी तुहाडी चलदी आ रही आ। सेमे से तरह आदम अते हवा दी जिहड़ी पीढ़ी चलदी आ रही सी नूह तक रही। नूह तो बाद परमेश्वर ने नूह ते उहनां दी फैमिली नई वाचा दे विच घेरिया, नई वाचा दे विच बन्निआ। तेरा एक पढ़िए जरा। यस, मैं अपनी प्रोक बदल बदल रखी है हां, वो उस नेम के निशान नहीं होवेगी। देखो मैं अपनी जड़ी नोकिया वो बदल दे विच रखी हुई आ हां, वो उस नेम के निशान नहीं होवेगी, उस नेम दे निशान नहीं होवेगी जो मेरे अर धरती में होवेगा हां। पढ़ो पढ़ो। अते ऐ होवेगा जब मैं बदल धरती उत्ते लियावांगा, जब मैं दोबारा बदल धरती के उत्ते लेके आवांगा तद ओ प्रोक बदल दे दिसेगी, तुहानू ओ तनुक जिहड़ी ओ बदल दे विच देखेगी। आमीन आमीन। जो परमेश्वर ने पानी दे द्वारा सारी मनुख जाति नू नाश कर दिता क्योंकि पाप बढ़ गया सीगा, नूह दे नूह दी फैमिली बची, ते फिर परमेश्वर ने आख्या कि मैं जिहड़ा तुहाडे नाल हुण नियम बांधदा हां ओ नियम इह होवेगा बदल देखोगे। बारिश तो बाद तुसी एक पीन नु देखोगे, एक तनुष नु देखोगे, केनु एक सतरंगी पीन बनदी है ना, देखी के नहीं? तो बारिश हो के आती है कई बार की बनाया एक साइड को लेकर दूसरी साइड तक एक सानू की दिखाई दी है कि बहुत बड़ी पीन दिखाई दी है, दिखाई दी है एक तनुष टाइप। बोलो यस सर, यस असली लाओ जो तुम बताया देखी आ। आमीन हालेलुया हालेलुया। और ये पीन गया बाइबल दे विच राइट दैट या के परमेश्वर अपने नियम नु याद करवा रिया या इने लोग आमीन बोलता। आमीन। परमेश्वर अपने नियम नु की करा रिया या याद करवा रिया, बड़े ध्यान नाल सुनना। और ये जदों भी असीं देखो ता तुसी भी याद करो, प्रभु की तारीफ करनी शुरू कर दियो क्योंकि परमेश्वर ने एक नियम बनया कि हुण मैं धरती दे लोकां नू पानी ना नाश नहीं करांगा। परमेश्वर इस गल दा फैसला कर चुका कि धरती दे उत्ते जिन्नी मर्जी बुराई बच जाए परमेश्वर पानी दे नाल दुनिया दा अंत नहीं करेगा। पढ़ो जरा। यस 15 ही पढ़ो। अते मैं अपने नेम नू जो मेरे आप तुहाडे और सारे जीवन प्राणियां दे शरीर विच है हां चेते करांगा, चेते करांगा और परलो दे पानी फिर सारे शरीर दे नाश करन नु नहीं आउंगे। परमेश्वर ने कहा कि जेड़ा मतलब के जल पर लोवा वो सारे शरीर दे उते नहीं आवेगा। कई लोग इत्थे भलेखा खा जांदे आ जे किसे ना शहर दे विच जां कंट्री दे विच सुनामी आ जांदी आ, समुंदर दे विच ओ पानी उठदा ते लोग ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾ ਪੜੋ ਜਾਂ ਪਰ ਲਿਖਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਮਨੁੱਖੋ ਕੋ ਸਭ ਜਾਤੀਓ ਕੋ ਜਲ ਸੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਕੋ ਪਾਣੀ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। कहीं एक जगह सुनामी आ गई तो इसका मतलब ये नहीं प्रभु यहाँ पर गलत हो गया, नहीं, परमेश्वर ने ऐसा लिखा ही नहीं। पढ़ो उसको फिर से इसी शब्द को, या क्या लिखा है? अतः मैं अपने नेम नू
मेरे यार तुहाडे आ सारे जीवने प्राणियां दे शरीरां विच है या जेते करांगा और परलो दे पानी फिर सारे शरीरां दे नाश करन नु नहीं आउंगी। हां लिख गया परलो दे पानी सारे शरीरां दे नाश करन नु बोलो नहीं आणगे। हालेलुया हालेलुया। अगली आयत में पढ़िए जरा। यस परमेश्वर ने जिहड़ा नियम बनिया जिहड़ा सुदीपक तक रहेगा जो सारे प्राणियों के लिए है जो धरती उत्ते हन परमेश्वर ने दूसरे नंबर से नूह की फैमिली के नाल बच्चे पैदा होने शुरू हो गए, दुनिया फिर से फैलने लगी। जब फिर से फैलने लगी तो दुनिया ने पाप करना नहीं छोड़ा, दुनिया ने गलतियां करनी नहीं छोड़ी। तो फिर परमेश्वर ने तीसरा नियम बांधा। इसी बाइबल में हम पढ़ेंगे फिर परमेश्वर ने एक और नियम बांधा और वो किसके साथ था? परमेश्वर ने जो तीसरा नियम बांधा वो हम देखते हैं, परमेश्वर खुदा ने अब्राहम के साथ एक नियम बांधा। जब नूह के द्वारा परमेश्वर ने नियम बांधा तो लोग फैलने लगे, बढ़ने लगे, मगर पाप गुनाह इबल के काम, दुष्ट आत्मा के काम, जादू टूने के काम, बद्रोह के काम, लड़ाई झगड़े के काम, सुसाइड के काम और दुष्ट आत्मा के काम रुके नहीं। इसलिए परमेश्वर ने फिर अब्राहम के द्वारा एक नियम बांधा जिसको हम बाइबल में से उत्पत्ति 15 का 5 वचन में देखते हैं। मेरे साथ पढ़े जाए तो यस ओ उसनु बाहर रह गया। देखो ता ओ उसनु बाहर रह गया और आख्या अते आख्या आकाश बल निगाह मार, आकाश दे बल निगाह मार अते तारे गिन, अते तारे गिन जे तू उनानु गिन सके, जे तू उनानु काउंटिंग कर सकदा है। फिर उसने उनु आख्या एनी ही तेरी आंच होवेगी, एनी ही तेरी आंच होवेगी। कितने लोग समझ रहे हैं? अब्राहम को क्या कहा कि तू तारों को गिन, अगर तू तारों को पॉइंटिंग कर सकता है। हम में से कोई है जो तारों को गिन सकता है? हाँ, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई लैपटॉप का मेकर या कंप्यूटर का मेकर ये कर सकता है कि आसमान के तारों को गिन? आज तक नहीं हो सका, पॉसिबल ही नहीं हुआ। समझे हो कि नहीं? जबकि परमेश्वर एक एक तारे को नाम लेकर पुकारता है। वाओ, हालेलुया। प्रभु को पता है मैंने कितने तारे आसमान में रखे हैं। बड़े ध्यान से सुनना, ये एक नियम परमेश्वर बांध रहा है। जैसे आदम और हवा को कहा धरती को भर दो, और नूह को परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि मैं अभी जल पर लोग के द्वारा दुनिया को नाश नहीं करूंगा। जो बढ़ने जाए, जो बढ़ती जाए और बढ़ती जाए, फिर वर्ल्ड सारा बढ़ गया, धरती बढ़ गई। फिर परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं एक तरह से नियम बांधता हूं कि अगर कोई आसमान के तारों को गिन सकता है तो गिने, मैं तेरी अंश को इतना बढ़ाऊंगा, मैं तेरे लोगों को इतना बढ़ाऊंगा, मैं तेरे लोगों को इतना आगे लेकर जाऊंगा कि उसकी कोई काउंटिंग नहीं कर पाएगा। हमें अब्राहम को 100 साल बाद बोलो 100 ईयर कोई नहीं बोला, बोलो 100 साल 100 साल 100 साल बाद जाके उन परमेश्वर ने पुत्र देता।
85 साल की उम्र मिले जो बारे का पुत्र इसहाक था 100 साल बाद जाके मिले क्या किया होगा उन्हें 100 साल के किमें परमेश्वर के पीछे चलिया होगा हां किमें सारा शर्मिंदी होगी लोगों के सामने आज का अगर समाज है ना जे किसी को बेबी नहीं होता ना तो जेडे साडे बुजुर्ग माता पिता जो भी पीछे ताकान गुआन दे ओ उन गोलियां मार दे तू बाहर से आ तेरे बेटा तेरे बच्चा नहीं होता बच्चा नहीं होता आज का समाज इतनी गंदी सोच रखता है प्रार्थना करता होगा अपने हालात को देख के देख लो प्रार्थना ना कोई आवे यार अज चर्च नहीं जाना अज बाइबल नहीं पढ़नी अज आ नहीं होया मेरा पेट दर्द हो रहा जी ठीक नहीं होया मेरा आ काम हो गया मीर के अब्राहम का विश्वास कितना विश्वास था मैं सोचा कि हूं के समय के ऐसा का विश्वास इंपॉसिबल है किसी के अंदर हो जाएगा समझे हो कि बहुत कठिन समय से अब्राहम से उसकी पत्नी सारा दे पर उस कठिन समय के खुदा दे उत्ते इंटरेस्ट हालेलुया हालेलुया 100 ईयर तक सब तो बड़ा विश्वास की सिगा के अपना हाम से सारा ये पता लग गया सिगा के साडा शरीर हुन बच्चे पैदा करन दे योग नहीं रिया ते ओ फुट फिर भी करदे सी खुदा मुबारक हालेलुया हालेलुया ए विश्वास कौन कर सकता है साडे विचो कौन इतना पक्का ईमान रख सकता सच्चा ईमान रख सकता हां साडा दा ईमान उदो हुंदा है जदो वड्डी हो जांदी है अच्छी खबर आंदी है जां काम बणदे साडा दा विश्वास उदो हां कल मैनु इक कॉल आई एक सिस्टर कहंदे पादरी साहब देश दे विच मेरा एक काम हो गया जे एक काम मेरा हो गया तो तुसी चर्च की टेंशन ना लियो चर्च में आपे बना दे हां वाओ हालेलुया मैं कह इतना चर्च कदे नहीं बनना हालेलुया इतना चर्च कदे नहीं मेकिंग हो मैंने किया कि चर्च तामी बन जाना है जब तेरा नाम भी कम पड़े हमें जब तामी नहीं बना है पर मैं तेरे को कहना कि सुखना वाली भक्ति ना करो भाई को तेरे चीज क्या कि सुखना वाली भक्ति ना करो सुख ले आ कि अदा हो गया तो अभी करा परमेश्वर ने सुखना वाली भक्ति तो सानू मनाही की थी हां ऐसा ना होए कि तुम्हारी सुखना बड़ी हो जाए तो तुम्हारी जुबान छोटी रह जाए हां फिर पछताने हो यार मैं तो डिमांड छोटी की थी मेरी सुखना बद गई है चल मैं फिर और कुछ मांगदा फिर मैं अपनी डिमांड खुदा जो पूरा करेगा फिर मैं कहना नो 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 परमेश्वर कहना नहीं परमेश्वर कहना राइट जो तुसी हो ओनू मेरे सामने रखो जो तुहाडा विश्वास है ओनू मेरे सामने रखो जो तुहाडे जीवन च है ओनू मेरे कोल ले आओ मैं ओनू ब्लेस करांगा आमीन जो तो नहीं है उन्हें वादा ना करो क्योंकि साडे वादे धोखे विच टुट जाते हैं हां परमेश्वर कहता जो है ओदे विच वफादार आ तां खुदा तैनू हो दिंदा है जो है ही नहीं तू ओदे विच वफादार बन जा रहा है मैं वफादार रहूंगा ही गारंटी है हां शैतान ने माड़ा जे बेकारता उंगली दा पौठा ही लाता तां तू तहस नहस हो जाना परमेश्वर कहता की गारंटी है कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं
अब्राहम ने कहा कि जैसा मैं हूं परमेश्वर मैं वैसा ही तेरे आगे समर्पण अपने आप को करता हूं। अब्राहम ने ये नहीं कहा परमेश्वर तू मुझे पुत्र देगा तो मैं तब करूं। परमेश्वर ने हन्ना अब्राहम ने हन्ना का जैसा विश्वास नहीं रखा। हन्ना बाइबल में लिखा बात औरत थी, वो परमेश्वर से कहती गई कि मुझे बेटा हो जाए, मुझे बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, और परमेश्वर ने दिया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने नहीं दिया हन्ना को। पता है आपको इस बात का पता, परमेश्वर ने उसको नहीं दिया। कब तक नहीं दिया? हाँ, कब तक हन्ना को बच्चा नहीं दिया परमेश्वर ने? जब तक उसने ये नहीं बोला परमेश्वर अगर तू अपनी बेटी को बच्चा देगा तो बच्चा मैं तुझे दे दूंगी जो तेरी सेवा करेगा। तो फिर परमेश्वर ने कहा अभी इसको मैं ब्लेस करता हूं। तब उसे बेटा मिला जिसका नाम सैमुएल रखा। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और हमारी डिमांड क्या होती है? परमेश्वर अगर तुमने तीन बच्चे देगा तो जो तीन में से सबसे निकम्मा होगा वो तेरी सेवा में मैं दे दूंगा। परमेश्वर अगर तुमने 2,00,000 की लॉटरी निकालेगा तो परमेश्वर मैं 2,00,000 का 10% 20,000 तेरे लिए दे दूंगा। परमेश्वर अगर तुम्हारा ये काम बना देगा वो काम बना देगा मैं तेरे लिए ये करूंगा वो करूंगा। हन्ना ने ऐसा नहीं किया। हन्ना ने कहा इस बार परमेश्वर तू मुझे बेटा देगा, बेटी देगा, बच्चा देगा, मैं वो पूरे का पूरा तेरी सेवा में दे दूंगा। और कहा परमेश्वर ने ले तो इस बार गर्भवती होगी। हालेलुया। जो बांस थी परमेश्वर ने उसे आशीष दी और जब वो बच्चा पैदा हुआ सारे नियम पूरे हुए तो परमेश्वर के हजूरी में उसको देखकर आई, प्रभु के भवन में देखकर आई, जिसका नाम क्या था? सैमुएल। हालेलुया। जो पहले से ही चुना गया सैमुएल। मेरे कहने का मतलब अब्राहम से परमेश्वर ने तीसरा नियम बांधा कि तू आकाश के तारों को गिन सकता हो तो गिन, मैं तेरे अंश को इतना बढ़ाऊंगा। क्यों परमेश्वर ने यह वादा किया उससे? क्योंकि उसने 1 साल नहीं 2 साल नहीं 3 साल नहीं 5 साल नहीं 10 साल नहीं 20 साल नहीं 50 साल नहीं 100 साल परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। प्रभु के पीछे कितने साल? बोलो। हमारी उम्र भी इतनी नहीं होती है। वह परमेश्वर के पीछे चला 100 साल। उसकी बरकत आज गिनी नहीं जाती। मैं चाहता हूं अब्राहम का विश्वास हम में आए और आप में अगर अब्राहम का विश्वास है जो परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है दुनिया को हैरान होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लोग हैरान हो जाएंगे, लोग पूछेंगे कैसे हो गया भाई, किसने कर दिया? वो तू तो अंधा था, तेरे को जन्म की आंखें अंधी थी, तू कैसे देखने लगा, क्या दिया? हालेलुया। लोग ऐसे पूछेंगे आपको, ए तू तो गरीब था, तू तो बीमार था, तू तो अंधा था, तू तो नशे कर रहा था, तू तो पाप कर रही थी, तू गलत जगह पे थी, तू ऐसे कैसे ब्लेस हो गई? लोग आपसे पूछने जा रहे हैं अगर आपके अंदर अब्राहम का विश्वास हो। समझे हो क्या नहीं? अगर अब्राहम की तरह वफादारी हुई परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ अब्राहम की तरह वफादारी हुई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने ये तीसरा नियम बांधा कि मैं तेरी ब्लेसिंग को इतना बढ़ाऊंगा कोई कंटेन नहीं कर पाएगा। फोर्थ नियम। उसके बाद परमेश्वर ने चौथा नियम बांधा और चौथा नियम जो है बहुत ही जरूरी है हमें सीखना, क्योंकि बहुत लोग इस चौथे नियम में कंफ्यूज रहते हैं। ये कैसे है, ये कैसे बोल रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं? और मैं चाहता हूं चौथे नियम के बारे में आप बाइबल को पढ़ें। जब दूसरा सैमुएल उसका 7 उसका 8
वचन से पढ़ना शुरू करेंगे हम दूसरा सैमुअल उसका सात और उसका आठ वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। यस पढ़े। सो हुण तू मेरे दास दाऊद नु आग हुण तू मेरे दास दाऊद नु आग तेरी सेना दा यहोवा ए आखदा है देखो सेना दा यहोवा के आखदा है मैं तन्नु बलगना विचों जिथे तू भेडा चरा ने अपने दास दाऊद को कहा कि देख जहां तू भेड़ बकरियों को चुरा रहा था जहां भेड़ बकरियों को तू पाल रहा था चुरा रहा था वहां पर मैंने तुझे ऊंचा कर उस सारे इज़राइल का मैंने तुझे प्रधान बना दिया। क्या बना दिया? बोलो प्रधान। प्रधान बना देता हूं। कैसे बनाया? परमेश्वर ने। जितने तू नौकरी करता थी नौकर का परमेश्वर ने तनु का राजा बना देता है। परमेश्वर ने दाऊद के नाम से नियम बनिया। हाँ पढ़ो जरा जल्दी। हाँ अच्छा जिथे तू गया जिथे तू गया मैं तेरे नाल रहा उठे मैं तेरे नाल सी अच्छा तेरे सारे बैरिया नू देखो मैं तेरे सारे बैरिया नू तेरे अगो मिटा दिता तेरे अगो मिटा दिता अच्छा मैं उना लोका वांग बरकन जिना दा नाव जगत विच वड्डा है तेरा नाम वड्डा कीता देखो मैं उना लोका जिना लोका दा नाम वड्डा सीगा मैं उना लोका तो भी तेरा नाम वड्डा कीता नाले मैं अपनी प्रजा इज़राइल दे लई देखो नाले मैं अपनी प्रजा इज़राइल दे लई एक थां ठहरा देंगा एक मैं एक थां ठहरावांगा अते उठे उना नु लगावांगा हां जो अपने ठीक थां विच वसन वो अपने राइट ठिकाने दे उत्ते वसन अते फेर ना पौण फिर ना पौण फिर ना पौण पौण मीन के फिर ना जगमगान परमेश्वर कहना मैं तुहाडे स्थान नु सही बनाऊंगा आज हो सकदा साडा स्थान रोंग होवे साडी रहाइश रोंग होवे परमेश्वर कहना मैं तुहाडे रहाइश नु सही जगह ते रखांगा आमीन और धरती दे उत्ते केड़ी जगह ऐसा भी है जिथे कुछ भी रोंग नहीं है हाँ परमेश्वर कहता कि मैं एहो जे स्थान दे उत्ते थोन रखांगा ऐसा दा मैं तुहाडा नियम बनन जा रहा हां चौथा नियम दाऊद दे नाल बनया कि तुहाडियां जिहड़ा ठिकाणा आ बड़े प्लेस ते ओ एक स्थिर हो जाएंगे ते उत्थे ही तुसीं बसोगे जाके कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं जलोसी आदम के हवाले वाले पढ़ते हैं उनके द्वारा दुनिया पैदा हुई पर पाप करते गए फिर नाश हुई फिर दूसरा नियम नूह के नाल बनया फिर दुनिया पैदा हुई फिर पाप के विच चले गई फिर अब्राहम नु परमेश्वर ने वादा किया कि हुण ये मैं वादा करता देना के सारे बेटा का गेट एनी जान सकया मसीहा की होवेगी विश्वासियों की होवेगी और उस तो बाद परमेश्वर ने दाऊद के नाल हुन नियम बनया दाऊद के नाल नियम बनने की क्यों जरूरत थी क्योंकि हुन प्रभु यीशु का आगमन जेड़ा सगा वो राइट प्लेस के उत्ते आया सगा यीशु मसीह दे आउण दा समा जेड़ा सी ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਗੀ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪਲੇਸ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਬਸੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮੀਨ 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 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਯਮ ਬੰਨਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਬੰਨਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ ਯੈਸ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਠਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਸਣ ਯੈਸ ਅਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਭੌਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਬੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੋ
ਉਹ ਕੰਨਾ ਦੇਣਗੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 14 ਇੱਕੋ ਪੜੋ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋ ਪੜੋ ਯੈਸ ਯੈਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਤੋੜੀ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਤੋੜੀ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੈਦ ਅਤੇ ਆਦਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਕੋਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਸੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦੋਂ ਕੋ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਸੇ ਸੁਨਨਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਲਿਖਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੈਦ ਅਤੇ ਆਦਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਕੋਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਰਾਂਗਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੌਥਾ ਨਿਯਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਦਮ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਾਂਗਾ ਜੋ ਆਦਮ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਕਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਰਾਂਗਾ 15 ਇੱਕ ਪੜੀਆਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਮੇਰੀ ਕਰੁਣਾ ਕਦੇ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਉਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਉਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਊਦ ਅੱਗੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦੀਪਕ ਤੋੜੀ ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦੀਪਕ ਤੋੜੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਸਦਾ ਅਟਲ ਰਹੇਗੀ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਅਟਲ ਰਹੇਗੀ 16 ਇੱਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੇ ਪੜੇ ਯਾ ਸਗੋ ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਗੋ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦੀਪਕ ਤੋੜੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਰਹੇਗਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਦੀਪਕ ਤੋੜੀ ਵਾਟ ਮੀਨਿੰਗ ਸਦੀਪਕ ਤੋੜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੀਨ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਆਦਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਔਰ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦੀਪਕ ਥੋੜੀ ਅਟਲ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੱਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਖਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਤਖਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤਖਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਖਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਯਾ ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਸੰਦੇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਕਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਰਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਸਕੇਗਾ ਇਹ ਟੱਬਰ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸੇਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਬਸੇਗਾ ਉੱਥੇ ਟੱਬਰ ਵੀ ਬਸੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਸੇਗਾ ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ
ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਖਰੀਦੋ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ। ਬਾਈਬਲ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਖਰੀਦੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਿਸੂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਂ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਐਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਿਯਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਾਮੁਅਲ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਦਾ 16 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਟੱਪਰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਾਧਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੌਥਾ ਨਿਯਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬੰਨਿਆ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਹਾਂ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਂ, ਬੋਲੇ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਮੇਂ ਕੌਨ ਸਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦਿਆ ਕਿ ਤੁਝ ਵਹਾਂ ਪਰ ਰਹੇਗਾ, ਧਰਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹੈ ਟਿਕਾਣਾ ਜਹਾਂ ਹਮ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਬੋਲੋ ਧਰਤੀ ਪਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੀ ਬੇਲ ਰਾਣੀ, ਇਸੀ ਬੇਲ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਲੀਆ ਨੇ ਬਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਏਲੀਆ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਪ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਯੈਸ ਆਰ ਨੋ, ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਇਸੀ ਬੇਲ ਰਾਣੀ ਨੇ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਚੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦੌੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਮੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਪਾਪ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਗਲਤ ਕੰਨਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਸੱਚ ਔਰ ਜੀਵਨ ਹੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੀਨ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕੌਣ ਸਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕੈਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਅਲੱਗ ਕਰੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਯਿਸੂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਲੈਣੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਸਕੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਵਹਾਂ ਪਰ ਰਹੇਂਗੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਔਰ ਲਾਸਟ ਨਿਯਮ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਝ ਹੋਗਾ ਅੱਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੌਥਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਪੰਜਵਾਂ, ਵਾਜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਸਟਾਪ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬੰਨਿਆ।
अलाप नियम जिहड़ा पंजवां नियम परमेश्वर ने यीशु के द्वारा बनिया अते उस नियम के विच ही हुण अंत है। उस नियम को बाद के परमेश्वर ने बाइबल दे विच कोई दूसरा नियम नहीं बनिया कि इसको बाद यीशु तो बाद कोई नियम और बनिया जाएगा कि दूसरा यीशु आएगा तीसरा यीशु आएगा जब फिर परमेश्वर दया करेगा फिर अनुग्रह करेगा। ऐसे परमेश्वर ने स्टॉप कर दिया कि पांचवा नियम लास्ट नियम होगा। समझ रहे हो कि नहीं, मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? अगर आपका वचन आपको कुछ नहीं समझ दे रहा, कुछ बातें नहीं समझ लगी, तो फेसबुक पर आपने इसको फिर से घर में जाकर सुनना है, हमें ऑनलाइन इसको निकालना है शिवा चर्च में और इस पूरे वचन की फिर से स्टडी करोगे कि नहीं? हमें और पांचवा नियम जब हम यिर्मयाह की किताब उसका 31 और 31 वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह उसका 31 और 31 वचन बाइबल में से पढ़ते हैं, ये परमेश्वर ने पांचवा नियम जो हमारे साथ बांधा और यही आने वाली पीढ़ी तक रहेगा जब तक यीशु नहीं आ जाते। मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक यीशु नहीं आ जाते इस नियम को अभी चेंज नहीं किया जाएगा, कुछ इसमें सुधार नहीं होगा, कुछ इसमें बदलाव नहीं होगा, कुछ इसमें दया नहीं होगी, कुछ इसमें रहम नहीं होगा, जैसे का है वैसा ही रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और मैं एक बात बताऊं आपको, बहुत से 10 साल हो गए उनके चर्च में जाते हुए, 10 साल के बीच हो सकता है वो सेवक भी बन गए होंगे, हो सकता है वो लोगों के लिए प्रार्थना करते होंगे, इधर उधर चर्च बोलकर बैठ गए होंगे। अगर आप उनको ये पूछेंगे जाकर मुझे 5 नियम बाइबल में से निकाल कर बताओ, तो पहले वो बोलेंगे कौन सा नियम, प्रभु ने कोई नियम बांधा ही नहीं, आप बाइबल पढ़ो, ऐसे बोलेंगे आप बाइबल पढ़ो, हाँ आप बाइबल पढ़ो, इसको जानो, खुद ढूंढ लो। और सबसे बड़ी बात पांचवा नियम को कोई बताता ही नहीं है, जो बड़ा स्ट्रांग है, जिसके द्वारा उद्धार है, जिसके द्वारा मुक्ति है, जिसके द्वारा यीशु के घर में एंट्री है। बोलो आमीन। जिसके घर में स्वर्ग में एंट्री है जिसके द्वारा, वो पांचवा नियम है। कितने लोग सुनना चाहते हैं, चिल्लाकर आप ये बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसको चिल्लाना कहते हैं, हाँ चिल्लाना कहते हैं, चिल्लाकर बोलो प्रभु मुझे सिखाए पांचवा नियम। यिर्मयाह 31 का 31 वचन पढ़े मेरे साथ, यस। देखो वो दिन आ रहे हन, वो दिन आ रहे हन, यहोवा दा वाक है, परमेश्वर दा वाक है, कि मैं इज़राइल दे घराने नाल यहूदा दे घराने नाल, मैं यहूदा दे घराने नाल एक नए नियम बनागा। और परमेश्वर ने दाऊद को क्या कहा था कि जो इज़राइल का घराना वो कभी नाश नहीं होगा, कहा था कि बोलो लूका की किताब 1:14 पढ़िया, यकूब का घराना कदे नाश नहीं होगा, पढ़िया के नहीं? अब्राहम ने वादा किया से तेरी अंश नु कोई मिटा नहीं सकेगा, कोई हरा नहीं सकेगा, वो एनी होई किता के नहीं? बोलो आमीन। यहाँ पर इज़राइल और यहूदा के लोगों को परमेश्वर ने कहा मैं आने वाली बातें बता रहा हूं, जो बातें मानेगा वो बताया जाएगा। पढ़िए फिर से, यस। देखो वो दिन आ रहे हैं, वो समय आएगा, यहोवा का वाक है, परमेश्वर का वाक है, कि मैं इज़राइल के घराने नाल, यहूदा के घराने नाल, एक नवा नेम बनागा, एक न्यू नेम बनागा। उस नेम वांग नहीं जेड़ा उन्होंने प्यो दादे नाल बनया। सुन लो बाइबल क्या बताती है, मैं वो नियम नहीं बांधूंगा जो मैंने आदम और हवा के साथ बांधा, जो मैंने अब्राहम के साथ बांधा, जो मैंने
नूह के साथ बांधा, जो मैंने दाऊद के साथ बांधा, मैं वैसा नियम नहीं बांध रहा हूं। क्यों परमेश्वर ने कहा? क्योंकि उस नियम को मैं देखता था कि इसमें सुधार ले आने की जरूरत है, तो परमेश्वर सुधार लेकर आता था। मगर अभी लास्ट नियम परमेश्वर ने कहा, अभी मैं वो नियम बांधने जा रहा हूं जिसमें ना तो मैं कभी सुधार लेकर आऊंगा, ना कभी चेंजेस लेके आऊंगा, ना ही कोई और नियम इसके अलावा लिखूंगा। यही नियम अंत तक आएगा जब तक यीशु नहीं आ जाता। समझ रहे हो? मुझे नहीं पता लोग समझ रहे हैं कि नहीं। अगर समझते हो तो ताड़ी जोर से चलो पढ़े आगे। जिस दिन मैं उन्हों का हाथ फड़िया, जिस दिन मैं उन्हों का हाथ फड़िया, भाई उन्होंने मिस्र देश विचो बाहर ले आवा, मिस्र देश तो बाहर ले आवा, जिस मेरे नेम नो, जिस मेरे नेम नो उन्होंने तोड़ दिता, मेरे नेम नो उन्होंने तोड़ दिता सी, भावे मैं उन्हों का ब्यादर ब्यादर सा, भावे मैं उन्हों का ब्यादर सा, ब्यादर नहीं मालिक सा। आमीन। जिनके पास पंजाबी की बाइबल है ना, और जिनके पास पंजाबी की बाइबल, अभी अभी आप अगर ये अध्याय आपने निकाला है, इसी अध्याय के जहां पर ब्यादर लिखा है, उसी के लास्ट पन्ने में नीचे कॉर्नर पर देखो क्या लिखा है। एक स्टार बना होगा, वहां पर लिखा होगा ब्यादर का मीन माले, लिखा है कि नहीं? देख लिया कि नहीं? वहां पर स्टार बना होगा और नीचे लिखा होगा ब्यादर, और उसका मीनिंग क्या है? वो मालिक कहता भला मैं उन्हों का मालिक लगा, पर उन्होंने मेरे नेम को तोड़ दिता। पढ़िए जरा, भावे मैं उनका ब्यादर ब्यादर सा, यहोवा का वाक है, परमेश्वर का वाक क्या, ए ओ नेम है, ए ओ नियम है, जेड़ा मैं उन्हों दिनों के पिछो, उन्हों दिनों के पिछो इसराइल के घराने नाल बनागा, यहोवा का वाक है, परमेश्वर का वाक है, मैं अपनी व्यवस्था नु उना दे अंदर, मैं अपनी व्यवस्था नु उना दे अंदर रखांगा, रखांगा ते उना दे दिला उते लिखांगा, उना दे दिला उते लिखांगा, मैं उना दा परमेश्वर होवांगा, मैं उना दा परमेश्वर होवांगा, ते ओ मेरी प्रजा होणगे, ओ मेरी प्रजा होणगे, ओ फिर कदी चौंकी आगे विच हूं असी लास्ट नेम नु क्लियर करन जा रहे हैं। पढ़िए जरा, यस, ओ फिर कदी हरेक अपने गुआंढी नु, फिर कदे हरेक अपने गुआंढी नु, हरेक अपने भरा नु, देखो मैं चैलेंज कर रहा हूं, हेलो ऑनलाइन पीसिया, बाइबल स्टडी, बाइबल टीचर, पास्टर और ऑल बॉय, अगर इस बाइबल के विचो इस तो बाप कोई नियम परमेश्वर ने बनिया हुए तो मैं कट के दिखा सकता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल खा के चैलेंज करता, क्योंकि इसको लावा परमेश्वर ने कोई नियम बनिया ही नहीं। एक चौंकी आइटम में तो बड़े ध्यान के नाल इस आइटम डर के नाल पढ़ना, क्या लिखा है परमेश्वर? यस, पढ़े जा, फिर से पढ़े एक एक शब्द को। ओ फिर कभी हरेक अपने गुआंढी नो, एक हिंदी में भी निकाल कर रखिए, यस, अते हरेक अपने भरा नो, हरेक अपने गुआंढी नो, हरेक अपने भरा नो ना सिखावेगा, ना सिखावेगा, भई यहोवा नो जानो, के परमेश्वर नु तुसी जानो, जो ओ अपने सारे ओ अपने सारे सारे उन्होंने छोटे तो वे तीक, छोटे तो वे तीक मैनू जान लेंगे, मैनू जान लेंगे, यहोवा का वाक है, परमेश्वर का वाक है, क्यों जो मैं उन्होंने उन्होंने बदी नु माफ करांगा, मैं उन्होंने पापा नु क्षमा करांगा, उन्होंने पाप फिर चेते ना करांगा, मैं उन्होंने गुनाह से बदला फिर चेते नहीं करांगा। हालेलुया, हालेलुया। कब होने वाला है? कब होने वाला है? कब होने वाला है? जब आपको ये नहीं बताना पड़ेगा मेरी बहन चर्च कर, मेरे भाई वो खुदा को जान तू, मेरी बहन मेरे पड़ोस, आप कहोगे उसे क्या तू परमेश्वर के बारे में जान, आज बोलते हो कि नहीं, है ना? आज हम बताते हैं लोगों को कि परमेश्वर के बारे में जान, मगर जो लास्ट वाला नियम है बाइबल में लिखा है, ऐसा समय आएगा धरती पर हरेक जन, चाहे वो बड़ा छोटा गरीब अमीर, चाहे वो किसी जाति धर्म को मानता हो, चाहे वो खुद
किसी शैतानों की पूजा करता हो उसको भी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें हे भाई परमेश्वर को ध्यान, क्योंकि अंतिम दिनों में लिखा है हरेक जुबान कहेगी, हरेक गोटा छुप जाएगा, हरेक जुबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। हमें परमेश्वर पूरा करेगा। लिखा कहना मैं उन्होंने गुनाह नु याद नहीं करागा, मैं उन्होंने पापा नु याद नहीं करागा, मैं उन्होंने पापा नु की कर दवांगा क्षमा कर दवांगा। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोगों ने तौबा कर ली, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने तौबा की हुई? आमीन। आमीन। जब प्रभु में हम आते हैं तो क्या बोलते हैं लोगों को, क्या करो, क्या बोलते हैं भाई? तौबा कर लो। हालेलुया। हालेलुया। बहन तौबा कर लो। क्या तौबा के अलावा कोई और चीज भी है, कोई और नियम भी है जो हमें स्वर्ग लेके जा सकता है? बोलो। पाप में रहकर इंसान स्वर्ग में जा सकता है? हाँ। गाली निकालने वाला स्वर्ग जा सकता है, शराब पीने वाला स्वर्ग जा सकता है, स्मोकिंग करने वाला स्वर्ग जा सकता है? हाँ। बोलो। झूठ बोलने वाला स्वर्ग जा सकता है, चोरी करने वाला स्वर्ग जा सकता है? बोलो। बुराई करने वाला, सिर में जाने वाला, डिस्को जाने वाला स्वर्ग जा सकता है? बोलो। इसलिए परमेश्वर कहता है तौबा करो, मन फिराओ। लास्ट नियम यही है, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। स्वर्ग जाना है तो तौबा करनी पड़ेगी। जो परमेश्वर ने स्थान हमारे लिए बनाया है उसमें एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो। तौबा करनी पड़ेगी। जब इंसान तौबा करता है तो जश्न मनाया जाता है स्वर्ग में भी और धरती पर, क्योंकि एक फैमिली का मेंबर परमेश्वर के और जुड़े समझे हो कि नहीं? अगर कोई गुनाहों में रहेगा, पापों में रहेगा, तो बाइबल में लिखा है वो कभी उस स्थान पर नहीं जा पाएगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। वो धरती पर तो नहीं है, वो स्थान स्वर्ग में है। ये लास्ट नेम परमेश्वर ने बांधा और इस नेम को ना कोई चेंज कर सकता है, ना कोई इसमें बदलाव कर सकता है। ये जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा। तौबा करने के लिए बोला है तो तौबा करना ही पड़ेगा। आमीन। मैं ऐसा नहीं हूं कि आपको तसल्ली दे दूं भाई ऐसा कर तू पाप भी करता जा, तो चर्च में आता जा, कोई बात नहीं, तू गुनाह भी करता जा और चर्च में आता जा। हाँ, ऐसा नहीं है बाइबल में लिखा। मैं क्यों कहूंगा आपको, बाइबल में लिखा है अगर स्वर्ग में जाना है तो हर इंसान को धरती पर अपने पापों को छोड़ना पड़ेगा। जब तो छोड़ता है तो स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग छोड़ देते हैं मगर फिर भी करते रहते हैं। सच्ची तौबा चाहिए और एक ही तौबा चाहिए। बाइबल में दो तौबा के बारे में लिखा है, एक बार तौबा हो गए फिर से तौबा कर ले। हाँ, यस, लिखा है। कहाँ लिखा है? एक बार तौबा हो गए तो दूसरी बार फिर से तौबा कर ले। बाइबल में लिखा है प्रभु की दया बार बार हो जाती है मगर तौबा एक ही बार होती है। तौबा जिंदगी में एक बार होती है। क्यों एक बार होती है? मान लो कि एक आप गंदगी में खड़े हो, चिपड़ में खड़े हो, बीमारी में खड़े हो, परमेश्वर बोलता है तौबा कर तू इससे निकल आएगा, तो तुझे तौबा की थी तो उसे निकल आएगा। क्या परमेश्वर कहेगा ऐसा कर तू फिर से वहां चला जा तो मैं तुझे बोलूंगा फिर से तौबा कर ले तो फिर से आ जा? परमेश्वर नहीं करेगा ऐसा। समझ रहे हो? कि एक ही मौका मिलता है हमें स्वर्ग जाने का, बार बार मौका नहीं मिलता। हमें गवाना नहीं है,
समझ रहे हो कि नहीं? एक ही मौका है हमारे पास ब्लेस होने का, एक ही मौका है हमारे पास स्वर्गीय स्थान पर प्रवेश करने का, वो है तौबा, वो है तौबा, वो है तौबा। ऊंची बात से बोले, वो है तौबा। तौबा हमारा कुछ बदलती नहीं है। हमारा जो तौबा जब हम करते हैं वह हमारा कुछ बदलती नहीं है, तौबा हमारा सब कुछ बदल देती है। हमें हालेलुया, तौबा हमारा सब कुछ चेंज कर देती है। हमारा खाना पीना, बोलना, उठना बैठना, रिलेशनशिप, सब कुछ चेंज कर देती है। हमारा मन, हमारा दिल, हमारा ध्यान फिर स्वर्ग की ओर लगा रहता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान क्या करे, तौबा करे और बपतिस्मा ले। जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया वो बपतिस्मा लो, वो तौबा करो। समय बहुत निकट है, ये नियम जल्द पूरा होने वाला है। परमेश्वर ने घोषणा कर दी है और जल्द वो पूरा होने वाला है। ये पांच नियम मैंने बाइबल में से आपको बताए हैं। पांच नियम हमारी लाइफ में बाइबल को जानने के लिए बहुत है, तो कहीं करें इस पर ध्यान रखें। आमीन बोलें, आमीन। जितने लोग आशीष पा रहे हैं आमीन बोलें, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके लिए स्पेशल प्रे करेंगे, प्रभु भोज होगा। जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है उनके लिए मैं प्रभु भोज दूंगा। पर एक खास अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ जो हमारी टीम के लिए है, टिमको के लिए है, वॉलंटियर के लिए है और सारे जितने भी सेवादार हैं यहाँ पर उनके लिए है। वो खास अनाउंसमेंट है, इस वीरवार 9 तारीख को आपने यहाँ पर चर्च में आना है। हालेलुया, हमारी एक फेलोशिप मीटिंग होने जा रही है चर्च में, एक ट्रेनिंग मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि आगे हमने कैसे परमेश्वर के काम करने हैं उसमें हम सीखने जा रहे हैं। आमेन। और ध्यान से सुनना, जो मेन बात मैं बताने जा रहा हूं इसमें कोई भी एफर्ट नहीं होना चाहिए, सही है क्या? इसमें कोई किसी का बहाना नहीं, कोई किसी की मजबूरी नहीं, कोई किसी का कोई भी ऐसा बहाना नहीं लगना चाहिए कि मैं नहीं पहुंचा। और टाइमिंग भी मैं बता रहा हूं जल्दी से, टाइमिंग जो है हमने राइट यहां पर 10 बजे से 10:20 तक यहां पर होना चाहिए। हमें 10 बजे से लेकर 10:20 तक हम यहां पर होने चाहिए, ताकि हम जो मीटिंग है सही टाइम पर शुरू करेंगे, सही टाइम पर खत्म करेंगे और बहुत सी बातें सीखेंगे, आत्मिक वरदानों को लेंगे, आत्मिक शिक्षा को लेंगे, प्यारी बातें परमेश्वर की आत्मा में सिखाने जा रहा है। कोई हमें नहीं बोला, याद रखें कि जल्द हम परमेश्वर का भवन जो है वो शुरू होने जा रहा है, नींव खोदी जाने जा रही है जल्द हम, और खुदा ने जो भी इंतजाम करना है उसके लिए हमने सबने प्रेयर में रहना है। परमेश्वर के भवन को जल्द हमने शुरू करना है। हमारी सबसे बड़ी बात हमने प्रार्थना करनी है, घर बनाने के लिए, बच्चा लेने के लिए, आशीष लेने के लिए, नौकरी लेने के लिए, चिंगाई लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मगर मैं एक काफी टुकी लगा रहा हूँ परमेश्वर का भवन बनाने के लिए प्रार्थना, स्पेशल समय निकालना है, घुटनों के बल आकर प्रार्थना करना है। अगर कोई फास्टिंग कर सकता है, व्रत रख कर प्रार्थना कर सकता है, तो वो व्रत रख कर प्रार्थना करे, कंटिन्यूस प्रार्थना करे। जब तक हम अपने भवन में आराधना न करें तब तक कंटिन्यू प्रार्थना करें, कंटिन्यू फास्टिंग करें। गुड न्यूज को मैं आपके साथ शेयर करूंगा समय आने पर, मगर मैं चाहता हूं इस बार क्रिसमस प्रोग्राम वहां पर ही होगा, मगर उससे पहले ही हम कई सभा वहां पर करेंगे और मैं चाहता हूं कि इसके लिए सब प्रेयर में रहे। बड़ा भवन बनने जा रहा है और बड़ी सोच रखनी है और बड़ी प्रभु मेहमान के साथ वहां पर इंतजाम करेगा। अभी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए हम नींद नहीं जल्दी खोद रहे हैं, मगर जब वो धीरे धीरे इंस्टॉल होने जाएगी तब इसी साल में शुरू करना है। ये मैं कह रहा हूँ कि इसी साल में शुरू करना है तो करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, सब इंतजाम कर सकते हैं और
नेक्स्ट मंच स्पेशल सीट है, उसमें भी आप अपना सहयोग कर सकते हैं। और एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, और कुछ दिन पहले मैं प्लाजा में था और मैंने एक स्पेशल सीट को बोला, और वहां पर मैं नाम नहीं बताऊंगा, वहां पर एक सिस्टर ने अपने कानों की बाली और पैरों में जो पायल डालते हैं वो उसमें डाली हुई थी। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, ये नहीं कि वो बहन के पास बहुत धन था, बहुत पैसा था, उसके उस बहन के घर में बालों की चाहता है, लैंटर नहीं है, मगर उसका जो हार्ट है परमेश्वर के भवन के लिए तैयार है। तो दोस्तों पता है, मेरा अगर कच्चा घर है तो रहे, खुदा का घर पक्का बनाऊंगी तो मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगी। हमें एक मैं समर्पण देख रहा हूँ, समर्पण देख रहा हूँ, क्योंकि उसका जो लव है, उसका जो प्यार है, वो परमेश्वर के भवन में है, परमेश्वर के वचन में है, सोने में नहीं है, चांदी में नहीं है, पैसों में नहीं है। हालेलुया। और एक बहन ने रिवाइव को बोला कि मैं ये स्पेशल सीट थोड़ी है, मगर मैं अपने कुछ गहने भेजकर दे रही हूं, और मैं उन लोगों के लिए स्पेशल प्रे करना चाहता हूं जो अपने दिल से खुदा के खुशी से परमेश्वर के भवन में बीत को बीत रहे हैं। हालेलुया। मैं बहुत अनाउंसमेंट नहीं करूंगा कि बार बार क्या करो, आप परमेश्वर के भवन के लिए दो नो। मैं चाहता हूँ जो भी अपने मन में सोचा है उसको करो, जो पवित्र आत्मा कह रहा है। शिवा चर्च का ये रूल है, किसी को भी कोई भी जबरदस्ती नहीं है, जो अपने मन से प्रभु के भवन के लिए बीतना चाहता है वो खुले दिल से बीत सकता है, क्योंकि जल्द इमीडिएटली हमने परमेश्वर का भवन अभी स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए हमें 3.5 लाख रुपया चाहिए, स्टार्ट करने के लिए 3.5 लाख रुपया स्टार्टिंग के लिए चाहिए, वो जल्द परमेश्वर पूरा करेगा। और मैं इसे ये फुल्ली अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ऑनलाइन जो क्लिक किया उनके लिए अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, जिनके भी हृदय में परमेश्वर प्रभु के भवन को बनाने के लिए स्पेशल बीज पाने के लिए वो प्लान कर रहे हैं, वो हमारी टीम को हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें अकाउंट में डाल सकते हैं। और अपनी स्लिप जरूर लेना, जब भी कोई बीज को देता है एक स्लिप जो है आपको उसको रिसीव करना है, स्लिप के बिना आप ना दे, मेरी ये विनती है, स्लिप जरूर लें, गुप्त भी देना है मगर स्लिप जरूर लें। उसके उसका क्यों लेना जरूरी है, क्योंकि हमारी टीम के पास पूरा आपका रिकॉर्ड रहेगा, हिसाब कब रहेगा, आमीन, ताकि एक एक प्रभु के पैसे को हम सेफली प्रभु के सेवा में लगा सके यीशु के नाम से, आमीन। ये मेरी खास अनाउंसमेंट है, और जल्द हम इंस्टेंटली शुरू करेंगे जल्द अपने भवन में हम परमेश्वर की वर्शिप करेंगे, ईश्वर के नाम कोई हमें नहीं बोला। हालेलुया। हालेलुया। भवन सुंदर भवन बनेगा, सुंदर इस बार क्रिसमस प्रोग्राम सेलिब्रेट करेंगे, अभी से तैयारी होनी शुरू हो रही है भवन की और क्रिसमस की, सब लोग रेडी हो जाए ईश्वर के नाम से। हालेलुया। मैं चाहता हूँ जिन्होंने पवित्र प्रबोध लेना है बपतिस्मा पाए हुए हो, और ताकि वो पवित्र प्रभु भोज आज ले सकें, अपने पैरों पर खड़े हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद। बोलिए हालेलुया, सतपुंज आगे बोलेंगे हालेलुया। सब बहन भाई अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, हम पेंट पाउंदा समय है, असी अपनी अपनी पेंट अपने अपने हाथों के लवेंगे, सब जन अपनी अपनी पेंट अपने अपने हाथों के लिए, ताकि परमेश्वर के भवन के वास्ते खुदा के वचन के कोडे आप पेंट नु भी सकिए, भाई भी भैन भी, असि वारी वारी से अगे आके पेंट पा सकते हैं, जिन्हें ऑनलाइन हैं वो अपनी ऑनलाइन पेंट सेंड कर सकते हैं। आओ खुदा की महिमा च गावांगे, महिमा करते हुए खुदा के राज की भेंट नूं बीजांगे ते खुदा की तारीफ करांगे। मेरे खुदाबंदी तेरी सना मैं जिंदगी भर गाऊंगा, मेरे खुदा
Okay.
थैंक यू जीसस। आइए सब अपने आंखों को बंद करेंगे और सिर को झुकाएंगे परमेश्वर के चरणों में। थैंक यू जीसस। परिदाता लाबारिक के लिए भी शुद्ध शुद्ध रूप में बोला पाता एक के लिए हर एक के लिए भी शुद्ध रूप होते हैं। देखता हूं किसी मोहनलाल को और उनके घर के हालातों को जो बहुत बुरे हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं गरीबी का श्राप डिप्रेशन का श्राप उनके घर में चल रहा है। मेरा यीशु आज उन्हें उनके सितारे से श्रापों से आजाद कर रहा है। मेरा यीशु उसके घर में बेदानी बेच रहा है। परमेश्वर की आवाज सुनो, प्रभु की आवाज हमें बचाती है। अगर हम किसी दुनिया की आवाज पर अपना मन लगाकर बैठे हो तो आज अपना मन परमेश्वर के वचन पर लगाएं। जो बीमार है प्रभु के वचन पर अपना मन लगाएं। जो लाचार है परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना मन लगाएं, ताकि मैं आपके लिए आज स्पेशल प्रे कर सकूं। अभी कोई भी इधर उधर ना रहे, कोई पंडाल से बाहर ना हो, पीछे ना हो, आगे ना हो, सब परमेश्वर की हुजूरी में अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। और मैं चाहता हूं कि आप प्रभु के वरदानों से भरे, प्रभु की सामर्थ से भरे, प्रभु की शक्ति से भरे। सफलता आपकी दूर नहीं है। अगर आप फादर के वचनों को लेते हो, इस भविष्यवाणी को रिसीव करते हो, तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। आइए वेलकम टू होली स्पिरिट। आपका यहां स्वागत करके इस पंडाल जो आपने काम किया जो करने जा रहे हो उसके लिए तारीफ करके परमेश्वर के लिए तारीफ परमेश्वर की है, महिमा परमेश्वर की है। जो सबसे आगे खड़े हैं ना वो रस्सी के साथ टच हो जाए यहां पर, जो सबसे आगे खड़े हैं। और मैं चाहता हूं पीछे आगे जहां भी आप खड़े हो, आपके शरीर में हो सकता बीमारी है, दर्द है, आप तकलीफ में हो, डॉक्टरी इलाज चल रहा है, दुष्ट आत्मा के कार्य है, आपकी बॉडी को शैतान की आत्माएं झंझोर रही है, दुष्ट आत्माएं झंझोर रही है, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, आप चंगे नहीं हो रहे, आपकी बॉडी पर निशान पड़ रहे हैं, नील पड़ रहे हैं, दाग पड़ रहे हैं, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है, आज आपके लिए समय है कि पवित्र आत्मा जी आपको आजाद करे। यीशु के नाम से आप आजाद हो जाए, यीशु के नाम से आप फ्री हो जाए, यीशु के अभिषेक से आप आजाद हो जाए। आज शैतानी बंधन टूट जाए और परमेश्वर की ब्लेसिंग आप पर ठहरे। ओ रबला बात करो बोशियो दिल बोइंगे नहीं बेबे। पवित्र आत्मा से मंडराया है पंडाल देव, मैं चाहना उस पर छुए। पवित्र आत्मा दा मसा को डरते ठहरे, तुहाडे दिलां उत्ते राज करे प्रभु दा आत्मा। आत्मा नियम तुहाडी लाइफ दे विच पूरा हो गए, क्योंकि जो नियम नहीं पूरा होया वो नियम परमेश्वर पूरा करे, क्योंकि सात शब्द संपूर्ण है, क्योंकि लिखा जो तो यीशु आएगा वो सब कुछ पूरा हो जाएगा, जो यीशु ने जाते वक्त किया उसका मैं करांगा। सब संपूर्ण है, सब संपूर्ण है, और परमेश्वर सब कुछ संपूर्ण करता है, परमेश्वर सब कुछ संपूर्ण करता है।
ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸੰਪੂਰਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਕਹੇਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹਾਂ ਝੁਕਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਤੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆਇਆ ਖੁਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਮੇਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ थोड़ा सा और ध्यान अपना लगाए परमेश्वर की ओर अपनी प्रार्थना परमेश्वर के चरणों में रखें जो आपकी प्रॉब्लम है प्रभु को इस पंडाल में बोल कर बताएं ऐसा ना करें ऐसा ना सोचे मेरा साथ बड़ा व्यक्ति सुन रहा है मगर खुदा का आत्मा सुन रहा है परमेश्वर का रूह सुन रहा है और अब अल्लाह बारिक के तेरी बेटी जिनको सुनने में प्रॉब्लम है सारी सुनने की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से उनको कानों को छोड़े उनके कान क्लियर हो जाए यीशु के नाम से यस लॉर्ड आइए पवित्र जिनके कानों से कम सुनता है जब बिल्कुल नहीं सुनता क्लियर सुनो यीशु के नाम में साफ सुनो जिन दिया काम दे विच प्रॉब्लम है राइट इसी समय में बोल दा रिसीव करो अपने लिए शिफा सारी अखा की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में ऐसा ना कहो एक बड़ी प्रॉब्लम है ऐसा कहो कि बड़ा परमेश्वर है जो चंगा करने वाला यस लॉर्ड आबा था लाबा रिंग के तेरी भी विश्व दुख बोल रहा हाँ उसकी हजूरी है यहाँ पर यस वंडरफुल हजूरी है यहाँ पर उसकी प्रेजेंट है यहाँ पर अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे उसकी प्रेजेंस को देखते हैं क्योंकि वो हाजिर है यहाँ पर जो चल नहीं पाते वो चले जो बोल नहीं पाते वो बोले हर बीमारी आपको छोड़े एक कैंसर यीशु के नाम से निकले रुकालियां निकले हिंदियां निकले शैतानी खोया बार आई उल्टियां ने द्वारा मन कच्चे हो रहे हैं उल्टी आ रही है उल्टियां करनी शुरू कर दे जिन्हों के सिर के उत्ते बोझ जा रहा यीशु के नाम जिन्हों के सीने उत्ते बोझ जा रहा यीशु के नाम बच रही समस्या मैं हटते हुए देख रहा हूं परमेश्वर आज कल के खिलेरी का आत्मा दे रहा है अनेक विदेशों के काम के सफल हो जा रहे हो यीशु के नाम अनेक पवित्र आत्मा आज थोड़ी हेल्प कर रहा है मदद कर रहा हूं अपना हिम्मत दे रहा है ਆਤਮਾ ਕਾ
रबा 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 था रबा रिक्के तेरे बेबे रिक्के तेरे बेबे पीछे से आगे तक सब लोग होली स्पिरिट के टच को फील करो, पवित्र आत्मा के टच को फील करो, के टचिंग को फील करो ईश्वर के नाम से। वो टच कर रहा है हमारे हृदयों को, टच कर रहा है हमारे दिल को। ये हजूरी है परमेश्वर की, जो आपको यहां पर परमेश्वर का उपासना करने सिखाएगी और फील करेगी कि वो है। अपने गमों से बाहर आ जाओ, अपने गुनाहों से बाहर आ जाओ, अपनी बुरी बीमारियों से बाहर आ जाओ। शैतानिक गंदी बीमारियां निकले आपसे, आपके शरीर को छोड़े यीशु के नाम से। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ यीशु के नाम में। चिल्ला के प्रभु की तारीफ करें समय। आंखें खुले, इधर उधर मत देखते, प्रभु के ऊपर ध्यान लगाए, क्योंकि जो पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं आपके ऊपर हर वो श्राप को, जादू टोने के श्राप को तोड़ू, गंदी पितुओं को यीशु के नाम से निकालू। सिर्फ आपने आंखें बंद कर प्रभु के नाम की महिमा करनी है। प्रभु आज मैं यहाँ से चंगी होकर जाऊंगी, आज मैं यहाँ से चंगा होकर जाऊंगा, ये घोषणा करो यीशु के नाम से। ठीक करो करिए, आज मेरी लाइफ में खुदावंद खुदावंद स्पिरिट की सामर्थ्य आएगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आएगी आज मेरी लाइफ में, आज मेरे घर में, मेरी फैमिली में परमेश्वर की सामर्थ्य आएगी। देखना तो मैं परमेश्वर चेंज करने वाला परमेश्वर है, वो लाइफ को चेंज करने वाला परमेश्वर है, सुधारने वाला वो परमेश्वर है, अपने नियम पर खड़ा रहने वाला वो परमेश्वर है। आज एक नियम बांधो परमेश्वर के साथ, पीछे से आगे तक सब जवान बेटे बेटियां बुजुर्ग बच्चे सब एक नियम परमेश्वर के लिए बांधो। आज अपना नियम परमेश्वर के आगे रखो कि प्रभु मैं तेरे साथ वफादारी से चलूंगी, मैं परमेश्वर सारी बुरी संगत को छोड़ती हूँ छोड़ता हूँ, मैं परमेश्वर सारी बुरी बातों को छोड़ता हूँ छोड़ती हूँ। आज परमेश्वर मैं नियम बांधता हूँ कि मैं तेरे वरदानों से भरूंगा, मैं तेरी शक्ति से भरूंगा, मैं तेरे वचन का प्रचारक बनूंगा, मैं खुदा लोगों के पापों को क्षमा करके उसे ब्लेस करूंगा। आज अपने परमेश्वर के बीच में एक नियम बांधो जो ब्लेसिंग का होगा, जो छुटकारे का होगा, जो आपको आपकी स्थिति में से निकालेगा यीशु के नाम से। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज हमारे हालात बदल जाएंगे यीशु के नाम से? आपका विश्वास उठा होना चाहिए, आपका विश्वास अब्राहम की तरह होना चाहिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद होली स्पिरिट। प्रभु बोध लेने से पहले मैं चाहता हूँ जल्दी से जिनके पेट में गिल्टियां जब फौलियां हैं या ऐसे पत्थरियां हैं, यूट्रस में प्रॉब्लम है, जब कोई भी उसकी बॉडी में कहीं भी ऐसी सोजन पड़ रही है, गंभीर बीमारी है आपको, मैं चाहता हूँ वो सारे बीमार इस जगह को छोड़े और आगे आना शुरू हो जाए। याद रखें किसी से टच नहीं होना, किसी से टच नहीं होना, और बीमार लोग आगे आए यीशु के नाम से। सामर्थ्य द्वारा काम करो, यहां अपनी सामर्थ्य खोलो, यहां ओपन द हेवन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, अपना स्वर्ग खोले परमेश्वर इन लोगों के लिए। यस, पवित्र आत्मा को फील करो, यहां पर पवित्र आत्मा को फील करो,
आज का दिन आपके लिए है, याद रखें आज का दिन आपके लिए है। आज के दिन में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जिनके अंदर शैतानी बीमारियां थी वो निकल रही है इसके नाम पर। ऐसे मैंने एक बहन को बोला, एक बहन को मैंने बोला जो तेरे पेट में पथरी हैं, मैं उसको जाते हुए देख रहा हूँ, मैं उसको जाते हुए देख रहा हूँ। तो उस बहन ने विश्वास किया और विश्वास किया कि मेरे पेट के अंदर से अभी पथरी नहीं रही, 24 mm की पथरी थी अभी नहीं रही। उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने जाकर डॉक्टर को पूछा और डॉक्टर से स्कैन लिखाई। जब स्कैन लिखाई और स्कैन करवाई तो उनकी स्कैन में वो पथरी नहीं आई, यीशु के नाम से टोटल फ्री हो गई यीशु के नाम से। जैसा विश्वास करोगे शब्दों पर वैसा आपके लिए हो जाएगा यीशु के नाम से। जैसा आप विश्वास करोगे कि परमेश्वर मेरे साथ ये कर रहा है वैसा आपकी जिंदगी में हो जाएगा। मैं कारोबारों को खुलते हुए देख रहा हूँ, जो कारोबार आपके बंद हो चुके थे, रुक गए थे, मैं आज खुलते हुए देख रहा हूँ, मैं ओपन होते हुए देख रहा हूँ यीशु के नाम से। जो बरकत आपकी रुक गई थी वो बरकत फिर से ठहर रही है आपके घर में, फिर से शुरू होने जा रही है वो, फिर से एक्टिविटी होने जा रही है वो। मैं देख रहा हूँ जो अंग आपके काम नहीं कर रहे थे वो काम करते हुए मैं देख रहा हूँ इसके नाम से। अरे बेताला बार एक के अपने अंगों को चेक करो यीशु के नाम से, अपने अंगों को इस समय चेक करो, क्योंकि प्रभु की प्रेजेंट आपको छू रही है, प्रभु की समर्थ आपका ठहर रही है। हमें ऊंचा होना चाहिए, गला खोलना चाहिए कि यीशु मुझे ब्लेस कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आइए प्रभु को फील करें, अपनी आंखें बंद करें ताकि मैं सब बीमारों के लिए स्पष्ट प्रे कर सकूं, बंधन टूट सके, परमेश्वर की सामर्थ आप पर आ सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा। Touch and heal, Lord. Touch and heal, Lord. Touch and heal, Lord. Touch and heal, Lord. Touch and heal, Lord.
प्रभु के सामर्थ्य भरो
मेरे हाथ परमेश्वर के राइट इसी तक Amen.
दिला रहा है और उसकी सामर्थ्य और उसकी बराबरी बेटी। अगर आपने जीतना है दुष्टों से तो मैं चाहता हूँ प्रभु की सामर्थ्य से भरो, अगर आपने जीतना बीमारियों से प्रभु की सामर्थ्य से भरो, अगर आपने जीतना है शैतान के श्रापों से प्रभु की सामर्थ्य से भरो। इस समय वो जहाँ पर हाजिर है पीछे से आगे तक ऊपर ले, चाहे आप पहली बार आयो पवित्र आत्मा को लो, जीत जाओगे यीशु के नाम से। दोनों खाली हाथ खड़े करें अपने सारे भाई बहन। जब हम खाली हाथ परमेश्वर को दिखाते हैं तो याद रखें वे माता से भर जाते हैं, अभिषेक से भर जाते हैं, प्रभु के प्रेजेंस से भर जाते हैं। अभी मेरी बेटी मेरे बेटे तू यहाँ पर रहती है, वहां पर प्रभु तेरी इज्जत बढ़ाने जा रहा है यीशु के नाम से, प्रभु तेरी महिमा बढ़ाने जा रहा है यीशु के नाम से। जो बोली मारने की मार लेगी, जो मजाक उड़ाना था उड़ा दिया, अभी परमेश्वर बोलता है मैं तुझे वहां पर ब्लेस करने जा रहा हूँ, मैं तुझे ऊंचा उठाने जा रहा हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर बोलता है जितने आपको शैतानी कष्ट सहने थे वो सह लिए, अभी परमेश्वर की आत्मा के सुख के दिन आप पर आने वाले हैं यीशु के नाम से। आज मैं चाहता हूँ आमीन बोलकर रिसीव करना है, क्योंकि मैं आपके लिए प्रोफेटिक शब्द बोल रहा हूँ। मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ जिनके घर नहीं बन रहे आने वाले 23 में वो अपने घर बनाएंगे। अतिक्रम जो अपने कर्जे के अंदर लगातार टूट रहे हैं, दुष्ट आत्मा का घर उनका भर रहा है, दुष्ट आत्मा के द्वारा उनका कर्जा और बढ़ रहा है। आज मैं आपको लक्ष्य सुन देता हूँ कि खुदा की सामर्थ्य को सीख करो, खुदा के अभिषेक को सीख करो, खुदा की महिमा को सीख करो, कर्जों की आत्मा जा रही है यीशु के नाम से। अगर खाली हाथ खड़े हैं, ये खाली हाथों को ऊपर रखना है और मैं देख रहा हूं इन्हीं हाथों में परमेश्वर की आशीष आते हुए, इन्हीं हाथों में आशीष आते हुए, और कोई हाथ नीचे ना करे चाहे थोड़ा पेन भी हो। और मैं देख रहा हूं अपनी आंखें बंद रखना और मैं 2-3 चेहरे ऐसे देख रहा हूं जिनके हाथों में प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु की ब्लेसिंग, प्रभु की वो आशीष है जिनके लिए आप भूखे और प्यारे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। मैं आज सुपर चर्च से घोषणा करता हूँ आज जो लोग रिसीव करेंगे उनके हाथों में वो बरकत परमेश्वर के दूध देंगे आकर। याद रखो कि आपको पता भी नहीं चलेगा, शायद आपको याद भी नहीं होगा, परमेश्वर वो आपके लिए रास्ते खोलने जा रहा है, छुपे हुए खजाने आपको मिलने जा रहे हैं। परमेश्वर कहता मेरे नाम से ढूंढोगे तो पाओगे, मेरे नाम से बरसाओं से खुल जाएगा, मेरे नाम से आप आगे बढ़ोगे देखना, मेरे नाम से आप जीत जाओगे यीशु के नाम से, मेरे नाम से आप अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे यीशु के नाम से। और मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का समय है, जिनके पास उनका पासवर्ड है वो अपने हाथों में ले ले यीशु के नाम से। ओ रबा लबा तो रबो शोत्र रबो शोत्र रबो शोत्र रबो शोत्र रबो। मैं देख रहा हूँ आप बीमार आए थे, मगर जाते जब आप रिपोर्ट कराओगे आपकी आंखें खुल जाएगी यीशु के नाम से। लोग हैरान हो जाएंगे ये कैसे हो गया, लोग पूछेंगे किसने चिंता कर दिया, तो आपने शर्माना नहीं है कहना यीशु ने चिंता कर दिया। मैं शुक्र को आपकी बॉडी में से निकले हुए देख रहा हूँ, जो बोझ शैतानी बोझ था वो जाते हुए देख रहा हूँ। मैं किसी सीमा को देख रहा हूँ ब्लेस होते हुए, मैं देख रहा हूँ रंजीत की एक टेस्टिमनी और बनने जा रही है इसके नाम से। रबा था लबा रेखे तेरे बेबे शोद्रबो शोद्रबो तारा बाबा शोद्रबो देखे रे बे। और रबा था मैं किसी मक्कन सिंह को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ परमेश्वर से ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर के दूत उसकी हेल्प कर रहे हैं और परमेश्वर से बाहर निकाल रहा है उन्हीं बलियों से।
और नशों से बाहर निकालना है परमेश्वर। मैं देख रहा हूँ आपकी नींद शैतान ने डिस्टर्ब की हुई है, आपको अच्छे ढंग से नींद नहीं आती, आपकी आंखों में सोजन रहती है। अभी राइट अपनी आंखों पर हाथ रख ले, बोलो चेंज होने जा रहे हो, हील होने जा रहे हो यीशु के नाम से। मैं चाहता हूँ कि आप कल को मत चेक करें, जब जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अभी अपने आप को चेक करें, अभी अपने आप को चेक करना है, अभी बॉडी को हिला कर देखना है, किडनी और कॉलिया को चेक करना है, अपने अपने घुटनों को चेक करना है, अपने पेट को चेक करना है। अब आजाद हो चुके यीशु के नाम से, मैं बोलता हूँ पूरी हो चुके यीशु के नाम से। कितने लोग चाहते हैं कि आज जब आज इस भवन से हम जाए निराश ना जाए, कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरा प्रभात जो कलेश की आत्मा में गिर गया था, पाप की आत्मा में गिर गया था, कर्जे की आत्मा में गिर गया था, बीमारी की आत्मा में गिर गया था, मरे होने जो शराब की ओदे विच गिर गया थी, लगातार कंटिन्यू एक मौत दूजी मौत, मौता दे शराब विच गिर गया थी, लगातार सेम बीमारी, एक कोई बीमारी कई शरीरों दे विच एंट्री कर गई थी, मैं होना तो आज आजाद होके जावां। कितने लोग चाहते यार, हमें बुलंद होना चाहिए यार। शैतान दी सारियां प्रेत प्रतिक्रियां नु यीशु दे नाम विच दफन करता हां, नरक विच दफन हो जाए यीशु दे नाम विच। आज तो बाद एक नया जीवन भरने शुरू हो जाए, न्यू लाइफ शुरू हो जाए, भर ले सारा प्रोग पड़ा खत्म हो जा रहा है यीशु के नाम विच। देख रहा परमेश्वर तुम पास करने जा रहे हैं यार, सारे डॉक्यूमेंट लहू ना भेजते हुए देख रहे हैं, सारे पासपोर्ट लहू ना भेजते हुए देख रहे हैं, चाहे तुम्हारे पासपोर्ट के ऊपर कुछ भी दाग नहीं है, आज तुम अपने पासपोर्ट को चेक करोगे तो कई दागा के नाल भरेगा, जिन्हें अज तो पहला नहीं थे वो पवित्र आत्मा की स्टैंप है अपने पासपोर्ट आगे, यीशु की समर्थ के नाल है। हालेलुया। मैं देख रहा 3729 जिन्हों ने लाइसेंस नंबर पासपोर्ट नंबर समझ लो अजो प्लस होके जा रहे यीशु के नाम में, मुबारक होवोगे, आओगे मुबारक होवोगे, खुदा तुहानू उच्चा करन जा रहा है, खुदा तुहानू ब्लेस करन जा रहा है। अपने दोनों हाथ अपने सिर दे उत्ते रखो, जल्दी प्रेयर हो रही है पर दी। Oh, hallelujah. जो पीछे आपके पीछे जो सिस्टर है जालो कलर के कपड़े पहने हुए हैं, फ्रंट फ्रंट लेकर आओ। यहाँ पर आया, क्या नाम है आपका, कहाँ जाते हो? थैंक यू जीसस, धन्यवाद पुलिस पे। मैं क्या देखता हूँ, आज से 3-3.5 साल पहले कुछ मिस हैपनिंग आपके घर में थी, मैं घर के हालात ऐसे, आप जितना बढ़ रहे हो उतना एक बढ़ रहा है दो डाउन हो रहे हैं, मीन एक गुना बढ़ रहे हो दो गुना डाउन हो रहे हो। मैं तो देख रहा हूँ कई चीजें बांधे हुए आपके कामों को, पैसे को, बरकत को, दुष्ट आत्मा ने ऐसा बांध रखा है, ऐसा नहीं कि आपने खोलने की कोशिश नहीं की। मैं तो देख रहा हूँ प्रार्थना भी हुई है मगर फिर भी नहीं खुला, मगर आज होली स्पिरिट मुझे कह रहा है मैं आपको आगे बुलाऊ, आपके जो बेड कंट्रोल चीजें हो रही है मैं देख रहा हूँ वो कंट्रोल में आ जाएंगे यीशु के नाम से। मैं तो देख रहा हूँ कि नेक्स्ट आपके लिए परमेश्वर की ओर से बेस्ट होगा, एक कड़ी ऐसी होनी चाहिए, एक मजबूती ऐसी होनी चाहिए जो ना टूटे। अगर कच्ची कड़ी है जाएगी, और मैं चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से आप इस तरह चिपक जाओ, इस तरह एक मजबूत रिश्ता बना लो, सब को शैतानी जो कच्चे रिश्ते हैं, जो कच्ची शैतानी चीजें हैं, जो कच्ची बीमारियां, जो कच्ची अंधकार की ताकतें हैं, वो देखना चिल्लाकर आपके घर से निकलेगी। श्री राम,
मैं नेक्स्ट आपको ब्लस होते हुए दिख रहा हूँ। देख रहा हूँ मेरे बहन, मैं तेरी आंखों में आंसू देख रहा हूँ। तू किसी चीज के लिए बहुत चिंतित है, परेशान है, तेरी आंखों को मैं आंसू देख रहा हूँ। और उस वक्त तेरा सहारा किसी ने लिया, तुझको ऐसे कह के तू रॉन्ग है बाकी सब राइट है। मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसा समय आया था तेरी लाइफ में, मगर मेरा परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू मुझ पर भरोसा करती हो तो मैं आज तुझे बल देता हूँ। मैं गुड न्यूज तेरे घर में 2023 में आते हुए देख रहा हूँ। याद रखे, जब इसी मंथ में लास्ट तक जो कोई भी आपके घर में एक्टिविटी होगी वो परमेश्वर की ओर से होने जा रही है। जो कुछ भी बदलाव, चेंजेस कुछ भी होगा वो परमेश्वर के आत्मा के समर्थ से होगा। देखना बदल जाओगे मेरी ओर देख। जो आप प्लान कर रहे हो ना करने का, बनाने का, खरीदने का, पूरा होते हुए देख रहा हूँ। पूरा होना चाहिए, कर रहे हो नहीं, होने जा रहा है यीशु के नाम। भविष्यवाणी करता हूँ 2023 में एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ जहाँ पर आप आओगे देखना। लाभा तो रोगो रेखे तेरी बीबी, शोध्रोगो तारा बाबा रेखे तेरी बीबी। सिर्फ आंख बंद कर अपनी ब्लेसिंग को रिसीव कर। अच्छा, रिसीव कर यीशु के नाम से। जो बिगड़े हैं वो बदल जाएंगे यीशु के नाम से। एक जोरदार ताली परमेश्वर के लिए बजाएं। आज पवित्र प्रभु बोध है, जहां पर भी हम खड़े हैं वहां पर ही खड़े रहना है। आज पवित्र प्रभु बोध है, और पवित्र प्रभु बोध लेने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग अपने घुटने टेक सकते हैं प्रभु के आगे वो घुटने टेक लेंगे, जो लोग भी घुटने टेक सकते हैं। और आज पवित्र प्रभु भोज है, बड़े ध्यान से सुनना, आंखें बंद कर लो। प्रभु भोज लेने से पहले अगर हमारी लाइफ में कोई पाप है उसको छोड़ दो, और मेरे पीछे पापों को माफी में बदलने के लिए मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें। ये प्रभु भोज की प्रार्थना है, पापों को माफी पाने के लिए प्रार्थना है। हो सकता है हमने तौबा करकर बपतिस्मा लेकर पाप किया, नशा किया, स्मोकिंग की, शराब पी, बुरी संगत में गए, बुरे गाने सुने, बुरी फिल्में देखी, जहां हमारी लाइफ में फिर से पाप हुआ, बुरी भक्ति की, जादू टोने में फिर से चले गए, इसी के कारण हम फिर से बीमार हो गए या लचार हो गए। आज समय है कि हम जितने लोगों ने बपतिस्मा पाया हुआ, जिन्होंने नहीं भी पाया हुआ, वो सब अपने पापों को माने और छोड़े। मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है, और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं, और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए। भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा सर्वदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो सके। आमीन। इसी तरह तुसी सबने अच्छा बात रखनिया, और पवित्र मेजबे को जान दे मैं प्रार्थना करांगा कोई भी अखुली ना होवे। दया में प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं
परंतु आपकी बड़ी और बुद्धिमान दया पर भरोसा करकर आपकी इस पवित्र मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य नहीं कि जो दूर आपकी मेज पर से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आपका स्वभाव सदा दया करना है। इसीलिए दयालु प्रभु, कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह क्रिस्त की देह और उसके रक्त को ऐसा ग्रहण करें कि जो हमारी देह आत्मा पाप से अशुद्ध हो गई है, आपके अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए और हम उनमें, वह हमें सदा सदा निवास करें। आमीन। सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे, जब तक हम पवित्र प्रभु भोज तैयार न कर लें तब तक सब ऐसे ही अपनी आंखों को बंद रखेंगे और जब तक रोटी तोड़ी ना जाए हम सब लोग अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना में बैठेंगे। जैसे मैंने बोल दिया वैसा ही करोगे तो ब्लेस होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपनी आंखें बंद करें और अपने सिर को झुकाएं और पवित्र प्रभु बोल की रोटी को तोड़ने से पहले हम लगातार ऐसे ही प्रार्थना में रहेंगे।